मीरपुर खास शहर में, और ये मेरा पहला व्लॉग होने जा रहा है अपने चैनल पे। तो इत्तेफाक की बात ये है कि आज हमारा आना था मीरपुर खास शहर, और यहाँ की एक बड़ी मशहूर मशरूब है जिसका नाम है थादल। यहाँ मैं थादल हाउस में मौजूद हूँ और आपको अभी बताता हूँ कि इस थादल की क्या हिस्टोरिकल इसका पस मंज़र है, उसके हवाले से भी आपको आगाह करूँगा, प्लस इसकी रेसिपी भी बताएंगे और इसका एक छोटा सा रिव्यू भी लेंगे जो यहाँ लोग मौजूद हैं और जो इस मशरूब को एंजॉय कर रहे हैं उनके व्यूज़ भी जानेंगे। तो चलिए चलते हैं और थादल को एंजॉय करते हैं। तो दोस्तों, हम इस वक्त मौजूद हैं मीरपुर खास शहर के इस थादल की शॉप पे जिसका नाम है थादल हाउस। ये एक ब्रांच है इनकी और बड़ा ही फेमस ये यहाँ का मशरूब है जिसके बारे में मेरे साथ मौजूद हैं मोहम्मद आरिफ भाई बताएंगे अपने इस थादल के हवाले से। इसकी सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा हमारे माता शुक्रिया कराची का। बहुत शुक्रिया सर। सर, थादल माशाल्लाह गर्मी का दुश्मन है जैसा कि आपने सुना भी होगा, जैसे आप तशरीफ लेकर आए। बिल्कुल। और अगर मैं रेसिपी आप मालूम करना चाहते हैं, इसमें खशखाश, सौंफ, इलायची, काली मिर्च, चारमक, बादाम और गुलाब के फूल इसमें शामिल होते हैं। सारे इंग्रेडिएंट्स होते हैं खुश्क मेवा जात, और इसका जो आपको खिला रहे हैं इसका जूस है और तुम्हारी ताकत के लिए बेहतरीन चीज़ है, दिमागी सेहत के लिए अच्छी चीज़ है और फर्ज वक्त चीज़ है। इंशाल्लाह आप भी पिए, दूसरों को भी पिलाएं। तो ये आपके शहर में इतना फेमस क्यों, क्या इसकी वजह गर्मी, इसकी एक रीज़न है क्योंकि मीरपुर महंगाई के दौर में सबसे पहले तो ये जो मशरूब है आपका, ये सब मशरूबों का बादशाह है, ठीक है। और इसके आप पीने से आपको कोई नुकसान नहीं है, बेनिफिट है आपको, इस वजह से ये मशहूर है। सही सही, बिल्कुल ऐसे ही है। इसके इंग्रीडियंट्स हमें बता रहे हैं कि कोई साइड इफेक्ट नहीं होंगे। और अब चलते हैं, देखते हैं इसका प्रोसेस ये किस तरह से तैयार किया जाता है और आपको इसकी रेसिपी बताते रहेंगे साथ साथ, प्लस इसका रिव्यू भी देंगे आप। तो बहुत शुक्रिया आरिफ भाई आपके टाइम का, थैंक यू। इसके बनाने के लिए ये कपड़ा होता है, सही है, ये बारीक होता है, डबल किया जाता है इस कपड़े को ताकि हमारा जो भी इसमें इस मसाले में जितना भी रस हो वो आराम से निकल सके। ये थादल की रेसिपी का मसाला है जो ग्लेंडर होकर आया है। थादल की रेसिपी का मेन्यू इस तरफ है, आप खाली इन्ग्रीडियंट्स हैं वो जो काली मिर्च किए जाते हैं और ये इलायची है, सौंफ है, खसखस है, बादाम वगैरह, ये बादाम है, ये इलायची और चारमगज वगैरह, ये चीनी और गुलाब के ताज़ा फूल, और इसके लिए मिनरल वाटर का इस्तेमाल किया जाता है, पानी में इस्तेमाल और दूध में भी इसको इस्तेमाल किया जाता है। तो दोस्तों, ये मसाला स्पेशली ये कहीं तैयार करते हैं और उसके बाद इस लोकेशन पे इसको लाया जाता है इनकी ब्रांच पे, और यहाँ ये रेडी है। अब इसको ये फर्दर प्रोसेस करेंगे, इसका आप साथ में बताते भी रहें इसके बारे में। सर, ये अभी कर लिया, इसको हम अच्छे से पैक करेंगे ताकि ये निकले ना कपड़े के अलावा। सही। और इसको प्रॉपर इस तरीके से इसको बनाने का थोड़ा सा देसी स्टाइल होता है, मशीन में ऐसा पैस नहीं आएगा आपको, सही, जो देसी स्टाइल में आएगा तो इस तरीके से हम ब्लेंड करेंगे। मसालों को गाढ़ा करने के लिए, डबल मसाला करने के लिए अब एक्स्ट्रा इसमें माल मिलाया जा रहा है, ये तैयार थादल मौजूद है। सही। देखें, बिल्कुल देसी तरीके से स्पेशल डबल मसाले वाला थादल तैयार किया जा रहा है हमारे लिए। अभी हम इसको टेस्ट करेंगे और आपको इसका रिव्यू भी देंगे। जो चीज़ हम आपको इस वक्त तैयार कर कर दे रहे हैं, इंशाल्लाह ऐसी चीज़ की गारंटी मतलब किसी और के पास मिले ऐसी गारंटी नहीं होगी आपके पास। सही। कहने का मकसद ये है कि इस तरह के टेस्ट आपको कहीं और नहीं मिलेगा, ऐसी था ऐसा टेस्ट, ये इनकी गारंटी है। और चलें आप टेस्ट करते हैं और आपको बताते हैं कि कैसा रिजल्ट है। हमारा थादल आ चुका है, थादल हाउस पे हम बैठे हैं इस वक्त। मीरपुर खास का बड़ा ही फेमस थादल है और बहुत ही ज़बरदस्त टेस्ट है इसका। मैं सुहेल भाई से जाऊँगा कि वो ज़रा इसका रिव्यू बताएं। सुहेल भाई, कैसा लगा? बहुत नर थादल है। जहांगीर भाई, तो थोड़ा सा बताएंगे आप इस मशरूब के बारे में, ये किस तरह का मशरूब है और आप इसे कैसा देख रहे हैं? भाई, कराची से सफ़र करते हुए आ रहे हैं, बीच में अभी एक जगह सुल्तानाबाद पे भी रुके आम के लिए, गर्मी से बेहाल थे तो यहाँ पहुँच के हमने ऑर्डर दिया। ये माशाल्लाह मेरा तीसरा गिलास पी रहे हैं और मीरपुर खास हैदराबाद रोड के ऊपर ये आते हुए आपको, ये मीरपुर खास आते हुए सीधे आप पे ये दुकान पड़ती है, सबसे पुरानी दुकान है ये
इससे आगे पीछे आपको काफ़ी दुकानें नज़र आएंगी, लेकिन असली थादल बिलाड़ो शाह ये जो दुकान है ये सबसे पुरानी, सबसे कदीम और जो इनकी रेसिपी है वो सबसे अच्छी है। सबसे अच्छी जो इनकी ख़ास बात है वो इनकी मेहमान नवाजी, आप आके बैठते नहीं, आप इनका जो खादिम है आपके पास सबसे पहले पानी लेके आएगा, आपको पानी पेश करेगा, पानी भी ऐसा मज़ेदार ठंडा तो ये पानी के लिए चार्ज करते हैं या फीस अभी नहीं, फीस अभी ले ला वो तो ये तो बहुत अच्छी बात है, तो कोई भी चार्ज नहीं करना चाहिए, लेकिन ये इनकी मेहमान नवाजी है मेरी नज़र में, ये पहले आपको पानी पेश करते हैं, आप पानी पहले के पीती हैं उसके बाद पहले आप ऑर्डर करना चाहें नहीं करना चाहें पता ना चले, इससे आप पानी पी के चले जाएँ, लेकिन अगर आप पानी के बाद थादल का एक गिलास पियेंगे तो मुझे उम्मीद है कि आप इस अपने फैसले को। यार ये मुझे मशरूब जो है ये देखने में तो काफ़ी हैवी लग रही है, तो आप बता रहे हैं इसका तीन ग्लास पी चुके हैं तो क्या मतलब? ये दिखने में बहुत हैवी है और असर में भी बहुत हैवी है, लेकिन ये आपके मैदे में बिल्कुल भी हैवी नहीं है। तीसरा गिलास पीने के बाद भी मेरे अंदर इतनी ताकत है कि मैं दो और पी सकता हूँ, लेकिन फिर मानी क्योंकि मुझे आ गया अभी खाना भी खाना है सही, तो सही। लेकिन तुम्हारा जितना पियेंगे ये ऐसा है कि आप उतना अपने आप को सही सही। तो भाई आप यहाँ पे मौजूद हैं, आपने भी क्या थादल पिया है अभी? जी मैंने भी यहाँ पे थादल पिया है, वैसे तो मैं एक ही गिलास पी लेता हूँ, लेकिन यहाँ पर मैंने आके दो गिलास पिए हैं और अभी भी पीने के गुंजाइश है। मैं तो ये कहता हूँ कि जो भी यहाँ पर आए खास तौर पर मीरपुर खास में तो थादल की ये मशहूर शॉप है कि ये यहाँ पर बहुत खालिश और बहुत अच्छा थादल मिलता है, तो लिहाजा ये है कि आप दो नहीं तीन पियो, ना ही कोई पेट को कुछ करेगा बल्कि आपका हाथों भी अच्छा करेगा और ना ही कोई बदमस्ती होगी या कोई मतलब ऐसे इस किस्म का कुछ भी नहीं होगा कि आपके जो है दिल भर जाए इस चीज़ से कि नहीं यार नहीं, तो ये बहुत ही लाइट और बहुत ही हल्का है, बहुत ही बेहतरीन है, बेस्ट है मेरे हिसाब से। तो यहाँ करते हैं हम अपने इस पहले व्लॉग का इख्तिताम, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। इंशाल्लाह किसी दिन थादल की इस रेसिपी को अपने चैनल पे भी ट्राई करेंगे अपने किचन में और आपके साथ शेयर करेंगे। तो यहाँ मुझे दीजिए इजाज़त, हम मिलेंगे इंशाल्लाह अगली वीडियो में, जब तक